السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفر منه ونتوكل عليه. الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه وخيرة خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيد المرسلين شفيع المذنبين مولانا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين وبعد. ये प्रोग्राम बनाने योम ज़ैनब हो रहा है और आपकी दिलचस्पी बहुत देर से शोरा के बेहतरीन मंजूमात और उनकी तरफ से पेश किए जाने वाले नजराने अकीदत से वाबस्ता है। बहरहाल चूँकि ऐसे प्रोग्राम में तकरीर भी एक हिस्सा होती है और मैं भी वक्त का लिहाज रखता हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं आपको ज़हमत नहीं दूँगा। ये अजीब इत्तेफाक़ है कि आज हमारी भारत की धरती के सर्वे की सरजमीन पर ऐसे मौके से योम ज़ैनब हो रहा है जबकि उत्तर प्रदेश, शायद कह सकूँ हर जगह शायद ना भी हो भारत में, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में ये रस्म है कि त्यौहार जो अभी आपने सुना रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। बहरहाल बेमुनासिबत नहीं है, ये भी तवज्जो की एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जनाब ज़ैनब का किरदार बहन की हैसियत से, तन्हा बहन की हैसियत से बहुत अजीम है कि दुनिया की जितनी बहनें हैं जो अपने भाइयों के साथ वफादारी करना चाहती हैं वो चाहें तो जनाब ज़ैनब को अपना नमूना बना सकती हैं, अपना आइडियल बना सकती हैं। और इमाम हुसैन का नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता, लेकिन जितने भाई हैं दुनिया में अगर वो चाहें कि एक भाई का अपने बहन से क्या गहरा मोहब्बत आमीन रिश्ता होता है, तो कम से कम जनाब अब्बास को अपना आइडियल बना सकते हैं। इमाम हुसैन तो बहुत अजीम शख्सियत के नाम है, उसके बारे में, उनके बारे में ज़बान खोलना मुझ जैसे तालिब इल्म की बस की बात नहीं है। इतना ज़रूर है, इतना ज़रूर है कि मासूम ने यहाँ भी अपना किरदार अदा किया, एक गैर मासूमा बहन को इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि अब ऐसे लगता है कि करबला जनाब सईद सज्जाद के साथ साथ एक इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक खातून का किरदार है। ये इमाम हुसैन का किरदार है कि अपनी बहन को इस कदर बुलंद किया है कि गैर मासूम होते हुए मरियम बहुत बुलंद है, जनाब सारा बहुत बुलंद है, जनाब हव्वा का रुतबा बहुत बुलंद है, जनाब शहजादी फातिमा का रुतबा
बहुत बुलंद है मगर बादे करबला इस्लाम का नाम ज़ैनब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। चाहे जनाब ज़ैनब को कोई पहचानता हो या ना पहचानता हो, जो भी मुसल्ले पर क़िबला रू हो करके सजदा करता है या जो औरत, जो खातून, जो बच्ची, जो जवान लड़की मुसल्ले पर नमाज पढ़ती है और सजदा रेज होती है, उसे पता होना चाहिए कि करबला में एक खातून जिसका नाम ज़ैनब था, उसने भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद, वाजिब तो छोड़ दीजिए, सुन्नत नमाज भी तर्क नहीं की, और इस कदर मोतबर नमाज कि जाते जाते भाई ने अगर कोई मुतालबा किया बहन से, तो फ़कत एक मुतालबा किया कि बहन ज़ैनब ला तंसीनी फी सलातिल्लैल, मेरी बहन ज़ैनब तुम मुझे अपनी नमाज शब में फरामोश न करना। शायद पैगाम पहुंच गए हो। हमारी जो औरतें नमाज पढ़ती हैं वो तो पढ़ती ही हैं, लेकिन हमारी जो ख़वातीन नजासत और तहारत नहीं जानती, वो मकतबे ज़ैनब में आने के बाद एहसास करें कि मुझे मालूम होना चाहिए कि नजासत क्या है, तहारत क्या है, नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। आपके लिए अहम नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी में खो चुका है और अब कुछ नहीं उसको सुझाई देता, वो तलाश करता है कि मेरी कोई उंगली पकड़े और मुझे बताए कि तुम्हारा कोई मालिक है, तुम किसी के बंदे हो। आपके लिए बहुत घिसी पिटी बात होगी, ये बड़ी मामूली सी बात होगी, इसलिए कि आपके यहाँ हमेशा से फ़र्श अदा है, तज़किरा हुसैन और ज़ैनब है, तज़किरा फ़ातिमा है, तज़किरा करबला है, तज़किरा औलाद अली और अली है, इसलिए आपके लिए अहमियत नहीं है। लेकिन वो लोग जो इस दुनिया में पैसे कमा चुके हैं, वीला बना चुके हैं, महल तामीर कर चुके हैं, इमारतें बनवा चुके हैं, प्रॉपर्टी है, कंपनियां हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए रूहानी सुकून नहीं है। उनके पास रूहानी सुकून नहीं, क्योंकि तकरीर है और वक्त अच्छा खासा गुजर चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं वक्त लेना चाहता हूँ। बहुत सी मिसालें हैं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तान के बाहर की बात करता हूँ, जहाँ लिबास शार्ट से शार्ट होता जा रहा है, कम से कम होता जा रहा है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। उनके पास नमूना नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए कि जो देखने की चीज़ें हैं, जो मीडिया है जिसके ज़रिए से वो सुबह शाम अपनी आँखों को जला देते हैं और अपने कान से सुनते हैं, उसमें सिवाय इसके कुछ नहीं दिखाया जाता कि एक मामूली कपड़ा आधा औरतों का, उसके मुकाबले में मर्दों का पूरा कपड़ा है, कोई कमी नहीं है, मर्दों के कपड़े में कोई कमी नहीं है, पैंट है, शर्ट है, टाई है, कोट है। उसके मुकाबले में जो औरत है उसका लिबास सबसे कम है। ऐसा क्यों है? औरत सोच नहीं पा रही है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी असली शख्सियत क्या है, मैं कौन हूँ,
मर्दों ने बड़ी चालाकी से उसकी शख्सियत उससे छीन ली और वो ये समझती है कि मेरा हक मुझे मिल गया। लेकिन जब उम्र का एक हिस्सा गुजर जाता है तब उसे एहसास होता है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ। तब उसे पता चलता है कि शातिर बदमाश मर्दों ने बलवे आम ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। उस वक्त हम दुनिया का कोई पैगाम उनके सामने पेश नहीं करते। हमारे पास एक ही औरत है जिसका नाम ज़ैनब है। उसके किरदार की शान ये है कि जब तक उसका इख्तियार था अपने पूरे जिस्म की हिफाजत की, उस वक्त तक अपने पर्दे को अपने हाथ से जाने नहीं दिया जब तक खुद जालिम मर्दों ने बलवे आम में लोगों के सामने आने के बाद उसकी चादर नहीं खींची। आज जब इस ज़ैनब का तस्करा होता है, टेलीविजन में इस ज़ैनब का जिक्र होता है और करबला के बारे में बताया जाता है, तो वही यूरोपियन औरत कि जिसके जिस्म पर आधा लिबास है वो तलाश करती है कि इस किस्म की खातून कहाँ है। उसके यहाँ टेलर नहीं है, उसके यहाँ दर्दी नहीं है, उसके यहाँ लिबास सीने वाले नहीं है, लेकिन किसी मतलब में पली बड़ी खवातीन के जो अपने को कनीजान जहरा कहती है पूरे हिजाब के साथ, जो आज औरतें पहन रही हैं कबा वाली नकाब पहन के, जब वो कॉन्फ्रेंस में सामने आती है तो एक यूरोपियन लड़की, एक यूरोपियन सहाफी जर्नलिस्ट उसे देख करके हैरत करती है। उसके बाद आके कहती है इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चादर है। वो खातून कामयाब हो जाती है, वो कहती है मेरे पर्स में एक चादर और है, और निकाल के जब वो चादर देती है तो ऐसे उस चादर को लेती है कि जैसे उसका सोना गुम हो गया था, उसका गहना गुम हो गया था, वो जेवर उसे मिल गया। ये ज़ैनब की कामयाबी है, ये उम्मे कुलसूम की कामयाबी है, ये रुकैया की कामयाबी है, ये सकीना की कामयाबी है। जालिम ये समझ रहा था कि हम इन्हें बलवे आम में लेकर के आ गए हैं तो माज़ल्लाह इनकी इज्जत चली गई, मगर कुदरत मुस्कुरा रही थी। मैं तो मुंतजिर था कि तुम बाद शहादत हुसैन इन्हें मैदान में लाओ, जो कि इतने बड़े वाक़े की तशहीर नामुमकिन थी जब तक ज़ैनब रिदा न देती। ज़ैनब हमारा करोड़ों सलाम, आपने करबला के पैगाम को बहुत अच्छे अंदाज से पहुंचाया। अगर आज आपकी चादर सर से उतरी है तो दुनिया की औरतों को पता चल गया कि मेरी चादर लूटने वाली है। मुझे अभी से ख्याल रखना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, अभी आपने जनाब ज़ैनब का पूरा खुतबा इब्न ज़ियाद के सामने जो कूफे में आपने पढ़ा वो सुना है। एक औरत जो लूट करके आई है, जिसने 72 गम उठाए हैं, उसका अपने पैरों पे खड़ा हो जाना ही मुजज़े से कम नहीं था। मगर इमाम हुसैन ने अपनी बहन को यूं ही अपना नायब नहीं बनाया था। फिक्र में, जबान में, सिफात में, कमाल में, फजाइल में, सियासत में, हिकमत अमली में ज़ैनब हुसैन सानी थी। इसलिए इमाम हुसैन ने ज़ैनब का इंतखाब किया था। मैं अपनी माँ और बहनों से कहूँगा कि अगर ज़ैनब मुअल्लिमा कुरान थी
तो हमारी औरतों को भी कुरान से आशना होना चाहिए। अगर ज़ैनब मुफस्सरे कुरान थी तो हमारी ख़वातीन को, हमें, हमारे मर्दों को भी कुरान मजीद की तिलावत, क़िराअत, आयात, तर्जुमा, तफसीर से आशना होना चाहिए। अगर ज़ैनब ने अपने बाप की मदद की है कूफे में, तो हमारी औरतों को भी अपने घर में जो जो ज़ीरत हैं, चाहे बाप चाहे भाई, और जब विदा होने के बाद वो अपने घर जाए तो अपने शौहर की मदद करने का जज्बा हासिल करें। ये खूबी नहीं है कि औरतें बाजार में आ जाएं, खूबी ये है कि औरत घर में रहे और घर में रह के बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि ये बच्चे बाजार को सही संभालें। मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आपने बेहतरीन अशआर सुने तो अब उसका महासल, उसका नतीजा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। औरतों का काम मार्केटिंग नहीं है, मर्दों का काम, औरतों का काम यह है कि वो घर में ईमानदार मार्केटिंग करने वाला बनाए, कि जब वो बाजार में पहुंचे तो पता चले सामान इसके यहां से लो, क्योंकि ये ईमानदार है, इस पूरे बाजार में दो चार के अलावा सब, ये ज़ैनबी किरदार है, ये उम्मे कुलसूम का किरदार है। ये अच्छा नहीं है कि न खास पे कसरत से, ये किरदार ज़ैनब का नहीं है, और उस पे अपने दिल को बहलाने के लिए ये भी कह दिया जाए कि ज़ैनब ने तो खुद ही अपनी रिदा दे दी थी तो हम भी बेरदा हैं, ये गलत फहमी है। ज़ैनब ने रिदा नहीं दी थी, रिदा छीनी गई थी। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी माओ और बहनों, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माहौल है, मैं समाज की माओ और बहनों से पूछता हूँ, आज इस ज़ैनब डे के हवाले से, यौम ज़ैनब पर ये बताओ, अगर आपके पर्स में 10-20 हज़ार रुपया हो और कोई आपसे लेना चाहे, पर्स छीनना चाहे, घसीटना चाहे, तो इसको आप कहेंगी कि मैंने अपनी खुशी से उसको दे दिया है, ले जाने दो? फ़र्क है कि नहीं? एक मरतबा आप खुद देखती हैं, बेटा है, शौहर है, भाई है, ये देना हुआ कि आपने खुशी से, और एक मरतबा कोई लेके चला गया, अब जब पर्स से पैसा गायब हुआ और सौदा खरीदने के बाद दाम देने की नौबत आई तो देखा पर्स में पैसा नहीं है, तो अपनी बहन से, अपने शौहर से, अपने भाई से शिकायत क्या माना? तवज्जो चाहूंगा, इसका मतलब यह है कि छीनने में और दे देने में फर्क है, लिहाजा ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए। और आप सुन रहे हैं तो मैं आपके हवाले से कह रहा हूं, मैं किस सर्वे को देख के गुफ्तगू नहीं करता हूं। इस्लाम का सिस्टम, इस्लाम का निज़ाम किसी एक करिए के लिए नहीं है, पूरा आलम उसके अंदर आता है। आप नज़ाकत देखिए, आखिरी बात है, तवज्जो चाहूँगा, इस्लाम में दो चीज़ें ऐसी रखी गई हैं कि एक का ताल्लुक मर्द से है, दूसरे का ताल्लुक औरत से है। बहुत तवज्जो चाहूँगा, एक का नाम है दाढ़ी, एक का नाम है हिजाब, आप गौर कीजिए कभी इस पे, एक का नाम है दाढ़ी, एक का नाम है हिजाब। आपको इसी भारत में, आपको इसी दुनिया में, आपको इसी पश्चिम में रहना है जहां मुख्तलिफ कौमें बसती हैं। अब जब आप अपने करिए से तनहा निकले, ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, जहाज का सफ़र, प्लेन का सफ़र, बस का सफ़र, तो सारे करिए वाले आपके नहीं हैं, और कुछ
आपके साथ साथ और भी मुसाफिरीन हैं, ये बताइए जब आलम सफर में होते हैं तो आपके दिल में क्या ख्वाहिश होती है? काश कोई अपना मिल जाता, काश कोई अपना मिल जाता, लंबा सफर है, काश कोई अपना मिल जाता। आज की दुनिया में मौजूदा हालात में देखें मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं अपनी बात नहीं इस्लाम का निज़ाम बयान कर रहा हूँ। अगर करिए में होते तो एक दूसरे को पहचानते थे, ये हमारा भाई है, ये हमारा चचा है, ये हमारी बहन है, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन जब आप बाहर निकल गए तो अब तलाश है अपना मिल जाए, कैसे पहचाने, कोई अलामत नहीं। इस्लाम ने कहा दाढ़ी रखो, औरतों से कहा हिजाब कर लो। जब तुम कहीं ऐसी जगह जाओगे जहां अजनबियत होगी तो खुद ब खुद लिबास और होलिये से पहचाने जाओगे तो एहसास कुव्वत करोगे। कभी आपने नहीं गौर किया इसके ऊपर, एक अगर मिल जाता है तो सीना तान के बैठता है आदमी। आप जानते मेरी आदत नहीं, मैं तंज वंज नहीं करता हूं, मैं मुतवज्जे करता हूं। इस्लाम ने आपका ख्याल किया था, आपकी सेफ्टी का ख्याल किया था, कहा कि दाढ़ी न मुंडो ताकि इज्तिमा बिखरने न पाए। अल्लाहु अकबर, इज्तिमा कहाँ, सोसाइटी कहाँ, अपने करिए में, अपने शहर, अपने मोहल्ले में तनहा नहीं, सोसाइटी सोसाइटी है हर जगह, जहाँ दो दो से ज़्यादा इकट्ठा हुए समझ लीजिए सोसाइटी हो गई। अब इस अजनबी माहौल में जहाँ अरहान धड़का है कि कभी भी मेरे साथ कुछ हो सकता है और आपको पता नहीं प्लेन में मेरा कौन है, जहाँ आपने दाढ़ी देखी, जहाँ आपने हिजाब देखा, सलाम अलैकुम मेरा नाम अली है, उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। अरे हम दोनों एक है, आइए आइए तशरीफ रखिए बैठिए, यही तो होता है। मेरे साथ एयरपोर्ट पर, इसी दिल्ली एयरपोर्ट पर लोग कहते हैं ये हिजाब बहुत रुकावट, वो नहीं हो पाता। हमारी पूरी फैमिली, बच्चे भी हमारे, जो बच्चे छोटे अभी थे, लड़कियां हमारी, वो भी मुकम्मल दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर हम लोग उतरे। नमाज का वक्त आ गया। आपका दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, जहां जहाज उतारता है अगर आप इलेक्ट्रिक जो जीने होते उससे नहीं जाते तो तमाम एक किलोमीटर तकरीबन आपको, जहां आपको पासपोर्ट हवाले करना है और इमिग्रेशन होता है बाहर निकलना, एक घंटा, माफ कीजिए, एक किलोमीटर आपको चलना होता है। बूढ़े बुजुर्ग नहीं चल पाते, व्हीलचेयर उनके लिए होती है, उसको ले जाया जाता है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। नमाज का वक्त आ गया, ओ मुख्तलिफ गोरे काले लंबा छोटा सब पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों ने कहा नमाज पढ़ना है, करें क्या? हमने कहा ऐसा है कि एक अबा ऐसे सामने कर देते हैं, बकिया तो अपने लिबास में, नमाज हो जाएगी। जैसे ही यही हिजाब पर्दा लिया और ले करके अपनी छोटी बच्ची से कहा, उस वक्त छोटी थी हमारी फातिमा, उससे कहा तुम इधर पकड़ लो, हम इधर पकड़ लेते हैं, बकिया लोग नमाज पढ़ लें। जो झाड़ू लगाने वाले होते, सर सर आप प्रेयर करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं? हमने कहा जी आइए आइए आइए, हम आपको जगह देते, आइए आप। ये इज्जत, ये एहतराम पर्दे का, वक्त पे नमाज पढ़ने का। जी जी जहमत होती है, ये बताइए किस चीज में आपको जहमत नहीं है? यहां पे कौन सी चीज ऐसी है जो बिला जहमत आपको मिल जाए? कोई एक चीज गिना दीजिए दुनिया की। पर्दा करने में जहमत जरूर है, गर्मी लगती है, सब कुछ है, मगर अजर भी बहुत है, सवाब भी बहुत है। सोसाइटी को जो मदद दे रहे हैं उसका सवाब आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बहुत है। तो मैं आखिरी लफ्जों में इतना कहना चाहूंगा, यौम ज़ैनब के मौके पर फकत अपने लिए नहीं, दुनिया की सारी औरतों के लिए पैगाम है कि अगर तुम चाहती हो कि इज्जत से इस दुनिया में गुजारो
तो ज़ैनब का नाम लेना सीखो, उनके हालात सुनना सीखो, उनके हालात पढ़ना सीखो, और अगर तुम मुसलमान हो तो तुम पर वाजिब है कि उनके हालात से आशनाई करो, और अगर तुम शिया हो तो तुम पर औजब है, तब तुम कनीज़ा ने ज़ैनब कहे जाने के काबिल हो। करबला के वाकये में रंग दोनों ने भरे, इब्तिदा शब्बीर ने की, इंतहा ज़ैनब ने की। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आखिर में तमाम जवानों का, मोहतमीन मुंतज़मीन, गांव के एक एक फ़र्द का, बुज़ुर्गों का, अपने छोटे भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये 11 मुहर्रम को, गोया पूरे अशरे का नतीजा है, और इसमें गोया अशरे का खुलासा अपने अपने अंदाज से लोग पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस यौम ज़ैनब के बानी को किसी एक नहीं करार दिया जा सकता। हर फर्द इस करिए की यौम ज़ैनब की बानी है, और अगर आप सब बानी हैं तो जनाब ज़ैनब आपको इसका अजर देंगी इंशाल्लाह। और इन्हीं के साथ अपनी माँ और बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को सुना। उम्मीद करता हूँ कि अगर तौफीक और ज़िंदगी रही तो जनाब ज़ैनब आइंदा साल फिर इससे बेहतर इस प्रोग्राम को मनाने की हमें कुव्वत और ताकत देंगी, और हमें उम्मीद है कि जो कुछ हमने कहा और सुना है उस पर हम अमल भी करेंगे। आखिर में अगर मिल करके ये दुआ, अल्लाहुम्म कुल वलीक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म कुल वलीक हुज्जत इब्ने हसन, सलावातुका अलैहि वअला आबाइहि फी हाज़िरिस सआत वफी कुल्लि सआत वलियां वहाफ़िज़ां वक़ायदां वनासिरां वदलीलां वाइनां हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौबा वतुमत्तिअहु फ़ीहा तबीला। बर मुहम्मद अलैहि वसल्लम।